कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करते हैं अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद बना रही हूँ। तो जो है ना, बच्चे खैर से स्कूल गए हैं, हस्बैंड जो है ना वो अपने काम पर गए हैं, तो मैं यहाँ पर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो चलें यहाँ पर फटाफट से नाश्ते की करते हैं तैयारी, और फिर टेबल पर बैठ के अपना नाश्ता जो है ना इन्जॉय करते हैं। चले यहाँ पे नाश्ता फटाफट से बनाते हैं। जी तो मैंने कहा नाश्ता करने से पहले आपके साथ एक बात शेयर कर दूँ। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम की एक शीट थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था स्पाइस मिक्स। तो सॉल्ट एंड पेपर, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने इनको वॉश की है और वो जो है ना ऊपर से बहुत बुरे तरीके से टूट गई है। मैंने अभी यहाँ से उठाया दी हुई है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उसका एल्युमिनियम लैदा हो गया और ये वाइट जो ऊपर था ना ये लैदा हो गया, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं वेस्ट तो कर नहीं सकती अब। तो फिर मैंने क्या किया कि इनको जो है ना ग्लास को, ये देखिए अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा ना, ये उसका जंग का वो। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसको ऊपर से उतार दिया और यहाँ पर जो है ना मैंने इनको इस तरह से हम सॉल्ट और पेपर डाल के इस तरह से अरेंज कर दिया। तो चलें यहाँ पर ना एक और एक्सपीरियंस हो गया कि भाई धोने से वो ख़राब हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, लस्सी जो भी हुआ ये मुझे नहीं पता। तो चलें यहाँ पर मैंने अपना अरेंज कर दिया, साथ में अपना वो शुगर पॉट अरेंज कर दिया। तो ये सावन भादों की वजह से यहाँ से उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है इसमें पानी बढ़ जाता है, जो भी कर लो नहीं वो होता ख़त्म। तो फिर मैंने कहा कि चलें अब मैं दोबारा से रख दूँ, क्योंकि टेबल भी होता है तो ज़रा आसानी हो जाती है, बार बार अंदर नहीं भागना पड़ता। तो चलें यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर जी। तो नाश्ते में वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि चाय बना रही थी और साथ में मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा के ये स्लाइस गर्म कर लिए थे। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता और जो है ना फिर उसके बाद खैर से थोड़ी देर में भी बच्चे आ जाएंगे, खैर अभी आने में काफ़ी टाइम है। तो यहाँ से जो है ना मैं चीज़ें वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है ना अपने बाकी के काम करूँगी। जी तो बच्चे यहाँ पर ना मेरे चले गए हुए थे खैर से एकेडमी, स्कूल से आए तो मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई, मैंने कामों में लगी हुई थी, सारे काम शाम किए, यहाँ से क्लीन किया। तो बस अभी जो है ना लॉन्ड्री सारी इकट्ठी की है और उसको मैंने अभी फोल्ड करके रखना सबसे बड़ा टास्क। तो बस फिर अभी यहाँ पर ना मैं बैठी हुई थी तो हस्बैंड जो है ना मेरे लिए लेकर आए यहाँ पे समोसे, तो गर्मा गर्म समोसे लेकर आए हैं, साथ में अब चाय बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ना ऐसे अभी दिखा दूँ, क्योंकि ना मुझे एक फ़ोन कॉल आई हुई थी तो अभी ना बीच में कट हो गई। तो मैंने कहा ये ना दोबारा से आ जाए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस ना कर सकूँ। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को दिखा दूँ भाई ये मुझे समोसे आए। तो यहाँ पर मैंने ना फिर सारा नीट एंड क्लीन कर रही थी, किचन सारा क्लीन किया, बर्तन वगैरह वाश किए, और अब जो है ना यहाँ पे समोसे वगैरह निकालती हूँ, साथ चाय बनाती हूँ। और उसके अलावा जो है ना अभी जो है क्या इसका नाम लेते हैं, मैंने वॉशरूम वगैरह भी क्लीन किया और थोड़ी सी क्लीनिंग जो भी थी सारी डन की। तो चले यहाँ पे मेरी चाय बनती है, तो फिर अपने गर्मा गर्म समोसे इंजॉय करती हूँ। तो अगर मेरी फ़ोन कॉल ना आई तो फिर आपके साथ प्लेट में निकाल के दिखा दूँगी, अगर आ गई तो फिर देखें क्या होता है। तो चलें यहाँ पर अपनी जल्दी से चाय बनाते हैं। जी तो ये ले जी चाय होगी मेरी रेडी और साथ में समोसे गर्मा गर्म। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं वहीं से खा आया हूँ, और जो है ना हस्बैंड लेके आए थे टोटल चार समोसे, दो मैंने बच्चों के लिए रख लिए हैं और दो मैंने खुद ले लिए। तो हस्बैंड जो है ना दो जगह पर लेकर आए थे, तो मैंने फिर जो है ना कहा कि मैं अपना हिस्सा रख लेती हूँ और बच्चों का अपना हिस्सा खा लेती हूँ, बच्चों का रख लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे समोसे खाते हैं। जो है बच्चों के लिए वो दूसरे वाले समोसे लेके आए हैं, वो जो छोटी समोसियाँ होती हैं ना मेरे बच्चों को वो पसंद है चिकन की, तो मेरे बच्चे ये वाले नहीं खाते इतने शौक से। तो मेरे बेटे को खास तौर पर, बेटी तो मेरी खा लेती है शौक़ से, तो बेटा इतने शौक से नहीं खाता, उसको ना वो चिकन की समोसियाँ पसंद है। तो मेरे हस्बैंड उनके लिए वो लेकर आए थे, तो अभी मैंने जो है ना उसको माइक्रोवेव में रख दिया है ताकि ठंडे ना हो। तो मैंने कहा आएँगे बच्चे तो उनको ना फिर मैं दे दूँगी। तो चलें यहाँ पर मैं अपने समोसे इंजॉय करूँ। अच्छा जी तो यहाँ पर मैं बच्चों के साथ ज़रा बाज़ार आई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो वो लेनी थी। तो चलें यहाँ पर ना बच्चे कह रहे थे कि मामा हमें लेके चलो, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों को लेके चलती हूँ और जाके कुछ चीज़ें वगैरह लेके आती हूँ। क्या ले आती है तो मैं आपसे घर आके शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पर चलते हैं और जो लेना है वो लेकर घर आते हैं जल्दी से। जी तो अभी अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, बाज़ार से आए हैं, तो बस जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं और बस घर आ गए। चीज़ें क्या ली हैं, बस खाने पीने के लिए ली हैं, बस ये मैंने अपने लिए एक हेयर डाई ली है, क्योंकि ना मेरी ये ख़त्म हुई हुई थी तो मुझे मिल भी नहीं रही थी।
तो आपको पता है जो गोदरेज की मैं इस्तेमाल करती होती हूँ ये वो है। तो बस ये हेयर डाई मैंने एक लिया अपने लिए, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो लिया है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपने लिए भी लिए। तो ये जो है ना बस कोल्ड ड्रिंक्स अब यहाँ पर इंजॉय करेंगे, और साथ में बच्चों के लिए ये मैंने केक्स ले लिए थे तो मैंने कहा चले ये खा लेंगे। और उसके अलावा ना यहाँ पर ना ये फ्राइज़ लिए हैं बच्चों के लिए, ये कह रहे थे कि हमें लेने हैं तो मैंने कहा चलो खा लो आप लोग भी। तो यहाँ पर एक बर्गर ले लिया था मैंने, कहा भाई थोड़ी बहुत भूख लग जा रही है क्योंकि ना रात काफ़ी हो गई है, तो अभी हस्बैंड भी नहीं आए। तो जी ये है हमारा बर्गर, तो चलें यहाँ पे बर्गर इंजॉय करते हैं, फ्राइज इंजॉय करते हैं, और उसके अलावा जो है ना कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करते हैं। चलें यहाँ पर ना अपना मील इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना बच्चे वगैरह भी सो गए हैं और बस मैं भी करने लगी सोने की तैयारी। तो चलें यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए खैर से, तो चलें हम यहाँ पर बस अब अपने दिन का वाइंड अप करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, बाद रखे, हर नगानी खा से बचाए, दुश्मनों की चढ़ से बचाए, खास तो किसी से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का मुताबिक ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।